दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के प्रमुख बातों को जानेंगे जो भारत के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जो दुनिया के बड़े कंपनियों में से एक कंपनी गूगल कंपनी के सीईओ हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सुंदर पिचाई का बात कर रहा हूँ जो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस इंसान का बात कर रहा हूँ, तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को भारत के तमिलनाडु राज्य में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी रघुनाथ पिचाई पेशे से एक इंजीनियर थे और इनकी माँ लक्ष्मी पिचाई पेशे से एक स्टेनोग्राफर थी। भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे इस इंजीनियर ने अपनी 10वीं की पढ़ाई चेन्नई के अशोक नगर में जवाहर नवोदय विद्यालय से की और चेन्नई में ही स्थित वानावनी स्कूल से अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा हासिल की। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुंदर पिचाई ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने साल 2002 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से एमबीए किया। सुंदर पिचाई ने अपने मटेरियल साइंस की डिग्री अमेरिका में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। हालांकि सुंदर पिचाई पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने मैकिन्स कंपनी में जॉब करना बेहतर समझा, पर उनकी तकदीर में तो कुछ और ही लिखी थी। साल 2004 में इन्होंने गूगल को ज्वाइन किया। शुरुआत में सुंदर पिचाई गूगल के सर्च बार में एक छोटे से टीम के साथ काम किया करते थे। इसके बाद इन्होंने गूगल के कई और प्रोडक्ट पर भी काम किया, जिसमें जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मैप जैसे अन्य कई प्रोडक्ट के विकास में अपना योगदान दिए। सुंदर पिचाई का पहला प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट था, जिसमें गूगल के सर्च बार को बेहतर बनाकर दूसरे अन्य ब्राउजर के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। इसी दौरान इन्होंने गूगल को एक सुझाव दिया कि गूगल को अपना खुद का एक ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए। इस आइडिया के कारण सुंदर पिचाई गूगल के संस्थापक लेरी पेज के नज़रों में आ गए थे। काफ़ी कम समय में क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर बन गया था। उसके बाद इनका साल 2008 में प्रमोशन भी हुआ। दोस्तों, साल 2011 में सुंदर पिचाई ने ट्विटर ज्वाइन करने का फैसला किया था, लेकिन गूगल ने चालाकी दिखाते हुए उनकी सैलरी को बढ़ा दिया और उन्हें ट्विटर में जाने से रोक लिया। और यही नहीं दोस्तों, साल 2012 में इनको क्रोम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिए गए। दोस्तों, इनको सिर्फ ट्विटर ने ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने कंपनी में लाने की कोशिश की थी। लेकिन जब भी सुंदर पिचाई गूगल में रिजाइन मारना चाहते थे, तब हर बार गूगल उनकी सैलरी बढ़ा दिया करती थी, जिसके कारण वह रुक जाया करते थे। सुंदर पिचाई के द्वारा किए गए मेहनत को देखते हुए गूगल ने 11 साल बाद 10 अगस्त 2015 को इन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। दोस्तों, अल्फाबेट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। साल 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया था। दोस्तों, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है, जिस पर रोज करोड़ों लोग अपने प्रश्नों को लेकर आते हैं और उन्हें इसका जवाब भी मिलता है। दोस्तों, सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों, सुंदर पिचाई अंजलि नाम की एक महिला को कॉलेज के ही दिनों से जानते थे, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हैं, किरण और काव्या। दोस्तों, सुंदर पिचाई को क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलना बेहद पसंद है। स्कूल के दिनों में यह अपने टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इनके पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक लियोन मेसी है। वर्तमान समय में इनकी सैलरी $2 मिलियन है, यानी 14.5 करोड़ रुपया। दोस्तों, वर्तमान समय में इनका नेटवर्थ यानी कुल धन $600 मिलियन है। इंडियन करेंसी में इसका मूल्य 4200 करोड़ रुपया होता है। दोस्तों, एक साधारण से परिवार में जन्मे सुंदर पिचाई आज दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट कंपनियों में से एक कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों, इनका मानना है कि सपने तो सभी देखते हैं और सभी के सपने बड़े होते हैं, पर सभी सपने के बराबर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।